साथ सरदार चरणजीत सिंह जी खालसा एमएलसी अभी ज्वाइन करेंगे, घर से रास्ते में हैं अभी। मीनवाइल हम अपना टॉपिक मैं रखता हूँ, वो अपनी बात आने पे रख लेंगे। मेरे साथ इस सर डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक के समन सिंह जी बैठे हैं और वरिंदर कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट हरी मार्केट एसोसिएशन के, कपिल अरोड़ा जी यहाँ बरादरी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते, रविंदर सेठ जी डिफरेंट एसोसिएशन में खासतौर पर विशाल खत्री बरादरी के नाते इन्वॉल्व रहते हैं। आज पेंडेमिक नहीं, वास्तव में पेंडेमिक तो नाम दिया गया है, बेसिकली चाइना के साथ, चाइना ने थर्ड वर्ल्ड वार शुरू की हुई है, उसका नाम कोविड-19, या दूसरे शब्दों में पेंडेमिक दिया जा रहा है। और जब युद्ध होता है तो सबको मिलके साथ होकर लड़ना पड़ता है। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स और बाकी लोग साथी शहीद हो गए इसमें, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। सरकार के अंदर यहाँ पे हमारा सौभाग्य है कि अच्छे हमारे एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात रखूंगा कि सारा कुछ करते हुए भी कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आप लोगों की सहयोग चाहिए। हम प्रेस को केवल इसलिए नहीं लेते कि भाई केवल नेगेटिव प्रचार करना है, लेकिन जो जरूरी इशू हैं वो प्रेस की भी बींग ए फोर्थ पिलर की जिम्मेवारी बनती है कि सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली रजिस्टर हों, लोगों तक प्रॉपर ढंग से वो विषय पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, जिन्होंने ठीक करना है उनके ध्यान में आए और उनको ठीक किया जा सके। एक मैंने सुझाव आपके माध्यम से, जो इतने दिनों में डेथ्स लगातार बढ़ रही हैं, उसको बड़ा माइन्यूटली डीली डीप स्टडी करने के बाद उसको रिड्यूस करने के लिए और उसके कारण दोनों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसको हमें लागू करना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड हेड टिकट ना हो वो नेग्लिजेंस मानी जाएगी उस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की। एक एक चार्ट रहता है जिसपे डेली वो रोटेट होता है 24 घंटे बाद। 24 घंटे में 10 बजे कौन सा इंजेक्शन लगेगा मोनोसेफ, 11 बजे ये टेस्ट होगा, 12 बजे ब्लड प्रेशर चेक होगा, उसकी डॉक्टर एक राउंड करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर लिखा जाता है, उसे कहते हैं बेड हेड टिकट। सुप्रीम कोर्ट कहता है जिन हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में बेड हेड टिकट नहीं है वो नेग्लिजेंस है। यहाँ शिकायतें सुनने में पिछले दिनों में काफ़ी चली मार्केट में, कई मीडिया के भाइयों ने भी बातें रखी, उनको जो सुनने में आया उन्होंने आगे रिले किया कि जनाब नर्स ने गलत तो इंजेक्शन लगा दिया, जनाब वो इंजेक्शन का टाइमिंग कुछ था, किसी और टाइमिंग को उसने लगा दिया, चारों इकट्ठे लगा दिए, किसी ने कहा कि मेरा कोर्स प्रिस्क्राइब नहीं था कोर्स कर दिया, किसी ने कहा कोर्स देना था नहीं दिया। मेरा ये कहना है ये सारे परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, आखिर नर्स भी या NO भी या डॉक्टर भी इंसान है, उनको भी सिस्टम अगर प्रॉपर होगा तो मरीजों की जान ऑटोमेटिकली बचेगी। और उसमें सिस्टम का पहला कदम है बेड हेड टिकट हर पेशेंट के बेड पे लगे, क्योंकि फाइल के अंदर सर्च करना,
फिर उसमें देखना कौन सा कितने पढ़े लिखे हमारे वो स्टाफ होगा, इसलिए उनकी भी परेशानी को समझते हुए इमीडिएट मैंने बात की कर ली है। वर्चुअली मुझे प्रिंसिपल ने एश्योर भी किया, बाकी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एश्योर किया, मैंने तो मैसेज गवर्नर साहब को और बात डुल्लू साहब से भी कर ली। इमीडिएटली वो लागू करने की ज़रूरत है और उसमें आपकी कॉपरेशन चाहिए कि लोग भी इस ओर अवेकन हो कि बेड हेड टिकट रेगुलेट कर सकती है सिस्टम को। उसका ना होना कुछ को नुकसान, जान का नुकसान दे सकता है। एमरजेंसी है, समय पेंडेमिक है। नंबर दो बात, पीपी किट है, पैनिक है, पेशेंट भी पैनिक है, जो डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं वो रिस्क में इन्वॉल्व हैं। अब उनको, पेशेंट को ये मालूम नहीं कि सामने वाला एनओ आया है, सफाई कर्मचारी आया है या कौन आया है, क्योंकि सब स्वाभाविक किट में आएंगे। किट के ऊपर एक मैंने पहले से भी सुझाव दे के रखा है, आपके माध्यम से रजिस्टर करना चाहता हूँ पब्लिक में भी, हर डॉक्टर के यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी हो जिसके पास डॉक्टर का नाम लिखा मोटे अक्षरों में, वो उसकी किट के ऊपर हो, एडहेसिव के साथ लगी हो, वो बाद में उसी के साथ फेंक दी जाए। कम से कम पेशेंट और डॉक्टर्स का जो गैप है इस सिचुएशन में, पेशेंट अपने भाई को फ़ोन करेगा, चाचा को फ़ोन करेगा, दोस्त को फ़ोन करके बोलेगा मेरी किडनी की दवाई ये मैं खाता था वो नहीं मिल रही, वो डॉक्टर को बताएगा। पेशेंट बोलेगा मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये परेशानी आ रही है, वो डॉक्टर को बताएगा। उसे डॉक्टर को पता होना चाहिए बाहर वाले को किस डॉक्टर से बात करनी है। तो सब की बजाय मिनिमम, सब में नहीं, डॉक्टर्स के यहाँ उनका नाम की रिफ्लेक्ट करती हुई स्लिप चाहिए। इससे दो चीज़ें होंगी, पेशेंट का बेटरमेंट भी होगा और डॉक्टर का भी चेक होगा कि डॉक्टर रूटीन में कितने एंटर देख रहे हैं। तीसरा, मेरा ये मानना है कि आज इमरजेंसी लेवल पर जैसे हमने, हम स्वागत करते हैं डीआरडीओ का, जिस प्रकार का हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो रहा है, टेम्परेरी सही, लेकिन हमारा ये मानना है हॉस्पिटल स्टाफ इमरजेंसी जो है वो भी इमीडिएटली फिल करने की ज़रूरत है। जैसे कोविड के पेशेंट को डील करना है मेडिसिन स्टाफ ने और एनेस्थीसिया वाले ने, क्योंकि वेंटिलेटर सिस्टम, ऑक्सीजन सिस्टम वो एनेस्थीसिया वाला डील करेगा, बाकी सारी मेडिसिन स्टाफ वाला डील करेगा। मेडिसिन स्टाफ की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, सेंक्शन स्ट्रेंथ है 29, जो फैकल्टी की, मैं अभी फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, फैकल्टी की 29 में अभी तक 12 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा, जैसे उसकी थोड़ी सी मैं आधा मिनट लेते हुए बाइफर्केशन देना हो तो प्रोफेसर 5 हैं सेंक्शन, अवेलेबल हैं 3, एसोसिएट प्रोफेसर हैं 4, अवेलेबल हैं 3, और 3 में भी उनके एक साथी, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, अच्छे डॉक्टर हैं, संजीव भट्ट, वो उसमें काम नहीं कर रहे हैं। उनको इमरजेंसी में अपने यूनिट में वापस आके मेडिसिन के साथ एसोसिएट करना चाहिए, करवाना चाहिए, जिसने भी उन्होंने रिलीव किया है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की स्ट्रेंथ है 6, और इस समय काम कर रहे हैं 3, और उसमें भी 3 में एक डॉक्टर हैं जो केस केयर में है, केस कोर्ट केस में है, वो इन्वॉल्व वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। लेक्चरर की बड़ा लेक्चरर जो है 14 होने जो स्ट्रेंथ है सेंक्शनड, जिसमें 2 काम कर रहे हैं और 2 को इन्होंने अभी लगाया, 4 को और रिक्रूट किया था लेक्चरर के नाते, उसमें 4 में से 2 ने ज्वाइन किया है, और उसमें से भी 2 में से एक जावेद नाम के हैं, वो श्रीनगर काम कर रहे हैं इस पोस्ट के अगेंस्ट। मेरा यह कहने का मतलब यह है, किसी पर्सन पर अटैक करने की नीयत नहीं, लेकिन उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनकी सर्विसेज पहले से बहुत कम हैं और जो डेफिशिएंसी है तो वो पूरा करें,
और जो आगे पीछे बिखरा स्टाफ है उनको यूटिलाइज करें, उनको सेग्रीगेट, कोई एक को श्रीनगर बैठा है, एक किसी किसी और जगह बैठा है, ये डेफिशिएंसी दूर करने की ज़रूरत है। अभी भी प्रसिस्ट कर रही है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ, लोगों को भी सजग रहना चाहिए, लेकिन वेंटिलेटर की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। मैंने खुद हॉस्पिटल में फ़ोन कर करके वेंटिलेटर बेड दलवाने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तकलीफ तब होती है, बिश्नाह में भी आज 10 वेंटिलेटर दिए गए, यूटिलाइजेशन ज़ीरो पड़े हुए हैं। आरएसपुर में भी 10 पड़े हुए हैं, यूटिलाइजेशन ज़ीरो। अखनूर में दिए गए, उनमें से 6 विड्रा किए गए, 4 वहाँ भी पेंडिंग है, बाकी जगह पे हैं। इस तरह सेग्रीगेशन की गई। मुझे लगता है कि इस प्लान को कुछ और वर्कआउट करने की ज़रूरत है। कारण यह कि नज़दीक होने के कारण वो सब इमीडिएटली रेफर डॉक्टर करते हैं, आ जाइए हॉस्पिटल जाइए, उस कारण वहाँ की यूटिलाइजेशन के लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई रूल्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो बेड की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। नहीं हो तो उनको क्लब करके कैसे यूटिलाइजेशन एक जगह पे करनी है, ताकि लोगों की एक तरह तो डेफिशिएंसी से कैजुअल्टी होती है, उसको कवर अप करने की ज़रूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है। और मैं चाहूँगा कि इसको बड़ा सीरियसली लिया जाए कि अभी तक वो कवर अप नहीं किया। इससे भी एक और पॉइंट मैं सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मैक्सिमम डेथ रात के समय हुई, बड़ा वाइटल पॉइंट है, आप लोग जरा इसको ध्यान में रखिए, मैक्सिमम कैजुअल्टी डेथ रात के समय हुई। अब ऑक्सीजन तो दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है, फिर ये क्या कारण है? कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि एक दिन तो हो सकता है, दो दिन हो सकता है कि रात को डेथ का कोई टाइम नहीं भाई, पेशेंट है, वो किसी समय भी उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन रात के समय का नंबर, डॉक्टर्स की आपसी बातचीत, मैसेजेस, बंद करो, डॉक्टर्स की आपसी बातचीत और मैसेजेस, उसकी चैट और उसकी डिटेल वो निकलवा ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में क्लियर हो जाएंगी। एक की चैट और डिस्कशन निकलवा ली जाए, आई हैव प्रोक्योर्ड दैट आल्सो, वो साफ रिफ्लेक्ट करती है ऑक्सीजन डेफिशिएंस हो रही है, डॉक्टर्स एकदम लिख रहे हैं दूसरे को, पेशेंट की सिचुएशन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन बंद हो रही है उसके बारे में लिख रहे हैं, जो एक्सियन था वहाँ का, उसने उस ग्रुप के अंदर से 2 बार एग्जिट कर लिया, अपने को बाहर निकाल लिया, फिर कंपेल करने पर वो उसने आपका फिट डाला। मैकेनिकल स्टाफ इसका बहुत मात्रा में भी जिम्मेवार है, उसको मॉनिटर करने की, उसको देखने की ज़रूरत है, ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। और इस ओर एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए, इस वेंटिलेटर के अंदर है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, उसकी ज़रूरत है मेहनत करने की। और मुझे लगता है कि आज सारे हालात के अंदर केवल मात्र सरकार लड़ेगी, केवल मात्र एडमिनिस्ट्रेशन लड़ेगी, केवल मात्र गवर्नमेंट लड़ेगी, जनता को मिलकर इसको फाइट आउट करना है। हर एक व्यक्ति को हम जानते हैं बेड प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन जो सिस्टम है उसको तो ठीक करके जाने बचाई जा सकती हैं। आज मेरा आपके सामने आने का पर्पस यही है।